अनामिका जी हैं, हम पार्टी की प्रवक्ता हैं, महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं। मांझी जी ने ये कहा है कि 15% वाले अगर देश को जलाएंगे तो जो 85% आबादी वाले हैं यानी SC ST OBC वो क्या हाथ में दही लेके बैठेंगे? जी देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जीतन राम मांझी जिन्होंने भारत के दलितों को एक नेतृत्व दिया है और वो दिल से समर्पित भावना होकर उन्होंने जो भी कहा है वो सच ही कहा है कि अगर 15% वाले लोग भारत को जलाने का कार्य कर सकते हैं तो क्या हम 85% वाले हाथ में दही लेकर नहीं बैठेंगे। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर जिस दिन ये 85% के लोग 15% पे भारी हो गए उस दिन ये 15% वाले भारत में स्थान खोजेंगे कि मैं कहाँ छिपूं, क्योंकि आज की जो राजनीति है ये भगवा की राजनीति हमारे देश में हो रही है। पहले उन्होंने धार्मिक उन्माद फैलाया, अब वो जातीय उन्माद फैलाने पर उमादा है। वो चाहते हैं कि हमारे 85% को पार्ट बाई पार्ट में बांट दे और उनको काट दे। ये होगा नहीं, क्योंकि हम 85% भारत में बहुजन समाज के लोग हैं और बाबा साहब हमें जगा कर गए हैं और आज हम जाग चुके हैं, और जिस दिन हमने हथियार उठा लिया उस दिन उन्हें छिपने का स्थान नहीं मिलेगा भारत में। वही 15% को आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष। जिस दिन वो हमारे अधिकारों का हनन करने के लिए अगर वो रोड पे उतरेंगे उस दिन हम भी और हमारे मांझी साहब भी चुप नहीं बैठेंगे। हम अपने अधिकारों के लिए भी लड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो हम हथियार के साथ उतरेंगे। हम तो कहते हैं कि भारत सरकार सर्वेक्षण करवा ले कि जितने भी नाले पर बसे हुए बस्तियां हैं, जितने भी रेलवे क्रॉसिंग पर बस्तियां हैं, या जितने भी सफाई कर्मी जो नाले में घुसते हैं और रोड की सफाई करते हैं उसमें कितने सवर्ण है, पहले सरकार इसकी सर्वेक्षण करवा ले। और मांझी साहब भी कहते हैं कि उन्हें आरक्षण मिलेगा लेकिन सर्वेक्षण के बाद, सर्वेक्षण के पहले नहीं, और आबादी के अनुपात में नहीं मिलना चाहिए कि जिसकी जितनी आबादी। और मांझी साहब ने ये भी कहा है कि अगर आप सबको आरक्षण देना ही चाहते हैं तो 85% आरक्षण आरक्षित वर्ग है, जो हम 49% में सिमटे हुए हैं आज वो 50% का लाभ ले रहे हैं, वो 15% है, उनको आप 15% उनकी आबादी है उनको 15% दे जाए, सरकार के द्वारा दिया जाए, और हम 85% के जो लोग हैं हम 85% में आरक्षण ले ले, सभी खुश रहेंगे, किसी को ना खुशी नहीं होगी। ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। मतलब बहुजन लोग हथियार उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, और ये हम नहीं, ये हमारे देश का कानून भी कहता है कि आपको अगर आत्मरक्षा की जरूरत पड़े तो आप हथियार उठा सकते हैं, और हम अपनी आत्मरक्षा के लिए अपने अधिकारों के लिए हथियार उठाएंगे। देवकी नंदन ठाकुर लीड कर रहे हैं सवर्णों के जो का जो ये आंदोलन है SC ST एक्ट के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि 2 महीने में अगर इस एक्ट को वापस नहीं लिया गया, सुप्रीम कोर्ट के जैसा कहा है उस तरह से नहीं लागू किया गया तो 2 महीने में वो कुछ करेंगे जो आज तक नहीं। देवकी नंदन ठाकुर जो है ये संत नहीं, ये संत नहीं है, ये ढोंगी है और भोगी है। इस तरह से ये भारत में भारत को जलाने की बात कर रहे हैं। इन पर तो मुकदमा करके इन्हें जेल में कैद कर देना चाहिए, क्योंकि ये जातीय उन्माद फैला रहे हैं। आप अपने अधिकारों के लिए रोड पर, हम जब अपने रोड पे उतरते हैं हम लोग बहुजन के लोग, तो किसी के अधिकारों का हनन करने के लिए नहीं उतरते हैं, हम अपने अधिकारों की मांग के लिए उतरते हैं। लेकिन ये लोग जो उतरे हैं भगवा झंडा लेकर, ये हमें हमारे अधिकारों को छीनने के लिए उतरे हैं, और इनका साथ कभी भी बहुजन के लोग नहीं देने वाले हैं। SC ST एक्ट का विरोध करके और दलित पिछड़ों को लड़ाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि सवर्ण के आंदोलन में OBC भी साथ थे, जबकि OBC किसी नेता ने इसके साथ में या समर्थन नहीं दिया। जी बिल्कुल, देखिए ये सिर्फ मुट्ठी भर लोग थे जिन्हें हम जब चाहे तब रोक सकते थे। तो ये अनामिका पासवान जी हैं, काफी आक्रोशित हैं देवकी नंदन ठाकुर पर और सवर्णों पर जिनकी आबादी 15% से भी कम है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, प्रतिक्रिया जरूर बताइए ताकि अनामिका जी को पता चल सके कि इनके जो विचार हैं वो आपको कैसे लगे। शुक्रिया फिर से अनामिका जी, आपको जय भीम जय भारत। जय भीम जय भारत।